हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभी ए टू जेड चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं वो संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। जो बौद्ध धर्म है उसके संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान की जब प्राप्ति हो जाती है उसके बाद गौतम बुद्ध का नाम जो है वो महात्मा बुद्ध हो जाता है। तो इससे आप कन्फ्यूज बिल्कुल ना हो। तो जो गौतम बुद्ध हैं उनका जो जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। 563 BC में लुम्बिनी नामक स्थान पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला क्या था? अगला है जो गौतम बुद्ध है उनके बचपन का क्या नाम है। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। अगला पॉइंट क्या है? अगला है जो बौद्ध धर्म जो महात्मा बुद्ध है या गौतम बुद्ध है उनका जो मृत्यु हुआ था वो कहाँ पे हुआ था। तो वो कुशीनगर में 483 BC में हुआ था। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, जो गौतम बुद्ध है उनकी जो पत्नी है उनकी पत्नी का क्या नाम था। तो उनके पत्नी का नाम यशोधरा था। अगला अगला जो है गौतम बुद्ध के जो पुत्र थे उनका क्या नाम था। तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। और जो उनके पिता थे, गौतम बुद्ध के जो पिता थे उनका नाम सुदुरोधन था। सुदोधन। गौतम बुद्ध के जो माता थी उनका नाम था महा माया देवी था। और जो उनकी सौतेली माँ थी, जो गौतम बुद्ध की जो सौतेली माँ थी वो उनकी अपनी मौसी थी। तो जो उनकी सौतेली माँ थी यानी कि उनकी जो मौसी थी वो उनका क्या नाम था। तो उनका नाम था प्रजापति गौतमी। अक्सर एग्जाम्स में ऐसे पूछा पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था। तो फ्रेंड्स आप टिक लगा सकते हैं यहाँ से। उनके पुत्र का क्या नाम था, तो ये भी टिक लगा सकते हैं फ्रेंड्स। उनके पिता का नाम, ये भी आप टिक लगा सकते हैं फ्रेंड्स। एक बार इसे ओवरव्यू अच्छे से ऊपर से देख लेते हैं। तो जो गौतम बुद्ध हैं, जो बौद्ध धर्म का जो संस्थापक था वो कौन था, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उनका नाम महात्मा जुड़ गया और उनका नाम महात्मा बुद्ध हो गया। और जैसे ऐसे पढ़ते हैं जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी नामक स्थान पे उनका जन्म हुआ था। उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। उनकी जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ पे, कुशीनगर। उनके पुत्र का नाम राहुल। उनकी माता का नाम महामाया देवी। उनके पिता का नाम सुदोधन। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा। और उनकी सौतेली माँ थी यानी कि उनकी मासी, उनका क्या नाम था, उनका नाम था प्रजापति गौतमी। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। अब आगे पढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो जो सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध यानी कि महात्मा बुद्ध, जब वो कपिलवस्तु की सैर पर निकलते हैं तो वो चार दृश्य को देखते हैं। कौन कौन से दृश्य को देखते हैं? तो वो एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं। फिर थोड़ी दूर और आगे गए तो वो एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं। फिर वो थोड़ी दूर और आगे बढ़ते हैं तो वो एक शव को देखते हैं। फिर वो थोड़ी दूर और आगे बढ़ते हैं तो वो एक सन्यासी को देखते हैं। तो जो वो गौतम बुद्ध हैं वो जब कपिलवस्तु की जब सैर पर जाते हैं तो वो चार दृश्य को देखते हैं। एक देखते हैं बूढ़े व्यक्ति को, एक बीमार व्यक्ति को, एक शव को, एक सन्यासी को देखते हैं। आगे पढ़ते हैं। तो आगे आगे है हमारा बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। अब कौन कौन से प्रतीक है उसके बारे में पढ़ेंगे। कौन सी घटना किस प्रतीक, मतलब कौन सी घटना का जो प्रतीक है वो क्या है। तो जो जन्म का प्रतीक है,
जो जन्म का प्रतीक है वो कमल और सांड है, और जो गृह त्याग का जो प्रतीक है वो घोड़ा है। तो अक्सर एग्जाम से पूछा जाता है कि बुद्ध के जीवन के संबंधित जो प्रतीक हैं उसमें जो गृह त्याग का जो प्रतीक है वो क्या है, तो गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। और जो ज्ञान है, ज्ञान वो पीपल है, उसका प्रतीक पीपल है। जो निर्वाण है उसका प्रतीक क्या है, तो निर्वाण का प्रतीक है पद चिन्ह है। और जो मृत्यु है वो किस चीज़ से है, तो जो मृत्यु है वो किस चीज़ का प्रतीक है, तो स्तूप का प्रतीक है। तो बौद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक यही प्रतीक हैं। आइए फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं, आइए फ्रेंड्स आगे पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आगे हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध सभाएं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। यहाँ से एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आता है। एग्जाम पहले मैं बता देता हूँ कि एग्जाम्स में इससे ऐसे कैसे क्वेश्चन आता है। यहाँ से तो यहाँ से सीधे क्वेश्चन आता है कि जो बौद्ध संगीति, जो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था वो किस स्थान पे हुआ था। फिर ऐसे पूछेगा कि कौन से बौद्ध संगीति, जो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था उसके अध्यक्ष मतलब कौन थे, जो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था उसके शासन काल में शासक वहाँ का कौन था, ऐसे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ये जो हम पढ़ेंगे एक ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ेंगे और ऐसे भी पढ़ेंगे, तो वो जो जो मैं ट्रिक जो बताने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक है और बहुत ही आसान ट्रिक है। आपको आई होप ये आपको बिल्कुल समझ में आ ही जाएगा, ऐसा ट्रिक है। तो जो ये बौद्ध जो सभाएं हुआ था वो चार बौद्ध सभा हुआ था। प्रथम बौद्ध सभा, द्वितीय बौद्ध सभा, तृतीय चतुर्थ हुआ था। उसका समय क्या था, जो प्रथम बौद्ध सभा हुआ था उसका समय क्या था, 483 BC में हुआ था। जो इसका द्वितीय बौद्ध सभा हुआ था वो हुआ था 383 BC में हुआ था। जो तृतीय बौद्ध सभा हुआ था वो हुआ था 255 BC में हुआ था। जो चतुर्थ जो बौद्ध सभा हुआ था वो 72 AD में हुआ था। तो ऐसे तो फ्रेंड समझ में आएगा नहीं, इसे मैं एक ट्रिक के माध्यम से बताता हूँ। पहले मैं बताऊंगा स्थान कि कौन से बौद्ध जो बौद्ध सभा हुआ, जो प्रथम बौद्ध सभा हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, द्वितीय कहाँ पे हुआ था, तृतीय कहाँ पे हुआ था, ऐसे। फिर मैं एक ट्रिक के माध्यम से आपको ये बताऊंगा कि जो ये अध्यक्ष थे, जो प्रथम बौद्ध सभा हुआ था उस समय जो अध्यक्ष मतलब किसकी अध्यक्षता में हुआ था वो बताऊंगा। फिर मैं एक और ट्रिक बताऊंगा कि कौन से जो प्रथम बौद्ध सभा हुआ था, जो प्रथम बौद्ध सभा हुआ था वो किसके शासन काल में हुआ था, मतलब उस समय कौन से वहाँ के शासक थे। तो वो तीनों में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स अब स्टार्ट करते हैं ट्रिक। तो जो बौद्ध सभा हुआ था वो चार हुआ था, तो अब हम पढ़ेंगे कौन से स्थान पर हुआ था। इसका एक ट्रिक है, इसका ट्रिक ये है, रा वै पाकु। जो चार बौद्ध सभाएं हुआ था उसका ट्रिक क्या है, रा वै पाकु, ये एक ट्रिक है। तो जो प्रथम बौद्ध सभा हुआ था रा से राजगृह में हुआ था। सेकंड मतलब दूसरा जो बौद्ध सभा हुआ था वो हुआ था रा वै वैसे वैशाली में हुआ था। जो तृतीय बौद्ध सभा हुआ था वो हुआ था पाटलिपुत्र मतलब पा रा वै पा पा से पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र पुत्र में हुआ था। जो चतुर्थ बौद्ध सभा हुआ था उसका रा वै पाकु कु से कुंडलवन। तो ये बिल्कुल बेहतरीन ट्रिक है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। प्रथम जो बौद्ध सभा हुआ था वो राजगिरी में हुआ था, द्वितीय हुआ था वैशाली में हुआ था, तृतीय पाटलिपुत्र में हुआ था, चतुर्थ जो है वो कुंडलवन में हुआ था। तो राजगिरी मतलब रा वै पाकु ये आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो चुका होगा फ्रेंड्स। तो अब याद कर, ये तो स्थान था कि प्रथम बौद्ध सभा किस स्थान पे हुआ था। अब पढ़ेंगे इसके समय अध्यक्ष कौन थे, प्रथम बौद्ध सभा जब हुआ था उस समय वहाँ के अध्यक्ष कौन थे। तो ये भी एक ट्रिक, इसमें भी एक ट्रिक लग सकता है फ्रेंड्स ऐसे कि
महासाहेब मोखली मित्र, महासाहेब मोखली मित्र, ये एक ट्रिक है। तो महासाहेब मतलब महाकश्यप, जो प्रथम बौद्ध सभा हुआ था उसमें उसमें जो अध्यक्ष थे, प्रथम बौद्ध सभा के अध्यक्ष, उसमें जो जो मतलब अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे। जो द्वितीय जो बौद्ध सभा हुआ था उसमें महा उसमें पहला तो महाकश्यप थे, दूसरा जो हुआ था वो हुआ था सभाकामी मतलब महासाहेब मतलब सभाकामी। तो तृतीय बौद्ध सभा हुआ था उसमें मोखली पुत्र, जो चौथा और चौथा हुआ था उसमें क्या था वो हुआ था वसुमित्र। तो इसका हम ट्रिक क्या था, इसका था महासाहेब मोखली मित्र, महाकश्यप, द्वितीय सभाकामी, तृतीय मोखली पुत्र, चौथा वसुमित्र। अब देखेंगे फ्रेंड्स कि कौन से बौद्ध, जो प्रथम बौद्ध सभा हुआ था उस समय जो शासन मतलब किसका शासन था, किसके शासन काल में वो बौद्ध सभाएं हुआ था। तो जो प्रथम बौद्ध सभा था इसका एक ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक है अकाअक, इसका ट्रिक है अकाअक। एक दो बार फ्रेंड्स पढ़ने पे खुद वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसका अकाअक ट्रिक है, तो जो प्रथम बौद्ध जो सभा हुआ था उसका जो उसके समय टाइम पीरियड मतलब उस समय जो शासन किसके शासन काल में होता, तो अका मतलब अजात शत्रु, जो द्वितीय हुआ था वो होता काका से काला शोक, जो तृतीय बौद्ध सभा हुआ था उसमें कौन थे अशोक थे अकाअक, और जो चौथा हुआ था वो कनिष्क। तो ये आपको समझ में आ गया होगा इसका शासनकाल में क्या था, इसका था अकाअक। जो पहला जो स्थान था उसका क्या ट्रिक था, रावय पाकु, जो अध्यक्ष किसके अध्यक्षता में हुआ था, तो महासाहेब मोखली मित्र, ये आपको याद हो गया होगा किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये हुआ था अजात शत्रु मतलब अकाअक, अजात शत्रु, काला शोक, अशोक और कनिष्क। तो फ्रेंड्स ये समझ में आ गया होगा। अब आइए आगे पढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे है फ्रेंड्स जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के तीन त्रिरत्न है। तो बौद्ध धर्म के तीन त्रिरत्न है कौन कौन से हैं, तो पहला है बुद्ध, दूसरा है धम्म, तीसरा है संघ, यही है त्रिरत्न। तो एग्जाम्स में ऐसे पूछता है कि जो बौद्ध धर्म है उसके त्रिरत्न कौन कौन से हैं, तो आप ऐसे से ट्रिक लगा सकते हैं बुद्ध धम्म और संघ, ये तीन त्रिरत्न हैं बौद्ध धर्म के। और अगला क्या है, तो दूसरा हमारा है जो बुद्ध ने मतलब सांसारिक दुखों के संबंध में चार आर्य सत्यों को दिया था, वो कौन कौन सा था, तो वो था दुख था पहला, दूसरा क्या दिया था बताया था उन्हें चार आर्य सत्य के बारे में, तो पहला दुख था, दूसरा था दुख समुदाय था, तीसरा कौन सा था, तीसरा था दुख निरोध था, चौथा था दुख निरोध गामिनी था, ये दिया था उन्होंने। आइए फ्रेंड्स अब अगला पढ़ते हैं नेक्स्ट। आगे फ्रेंड्स क्या पढ़ना है, आगे पढ़ना है त्रिपिटक के बारे में पढ़ना है। तो जो बौद्ध धर्म है उसमें त्रिपिटक है, और वो कौन कौन से त्रिपिटक है, एक है विनय पिटक, दूसरा है सूत पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। तो एग्जाम्स में अक्सर एग्जाम से पूछते हैं कि जो बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है वो कौन कौन सा है, तो विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक, यही तीन त्रिपिटक है। अब हम पढ़ेंगे जो जो विनय पिटक है उसमें किस चीज के बारे में बताया गया है। तो जो विनय पिटक है उसमें मठ निवासियों के अनुशासन संबंधित नियमों के बारे में बताया गया है विनय पिटक में। नेक्स्ट है सूत पिटक, तो सूत पिटक में क्या है, सूत पिटक में बुद्ध के धार्मिक विचारों एवं उपदेशों का संग्रह के बारे में बताया गया है। अगला है अभिधम्म पिटक, तो जो अभिधम्म पिटक है उसमें बौद्ध दर्शन की व्याख्या के बारे में बताया गया है।
तो यही त्रिपिटक है। आई होप आपको ये समझ में आ पा रहा होगा फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स अब अगला देखते हैं। आगे पढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो आगे वन लाइनर के माध्यम से पढ़ेंगे फ्रेंड्स, जो कि ये सब क्वेश्चंस जो है ये भी एग्जाम के लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वन लाइन के माध्यम से उसे इसे देखते हैं फ्रेंड्स। तो लाइट ऑफ एशिया, जो लाइट ऑफ एशिया है वो गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। अगला क्या है? अगला है प्रिय शिष्य। जो जो गौतम बुद्ध हैं उनका जो प्रिय शिष्य है उनका नाम आनंद है। और जो प्रथम उपदेश दिए जो गौतम बुद्ध जहाँ प्रथम उपदेश दिए वो सारनाथ स्थान पे प्रथम उपदेश दिए, और वो पाली भाषा में प्रथम उपदेश दिए हुए थे गौतम बुद्ध यानी कि महात्मा बुद्ध। सर्वाधिक उपदेश उन्होंने कहाँ दिया? तो सर्वाधिक उपदेश उन्होंने सरावस्ती नामक स्थान पे दिया। और जो गौतम बुद्ध थे उनका उनका जो गुरु थे उनके उनके जो प्रथम गुरु थे वो कौन थे? वो अलार कलाम थे उनके प्रथम गुरु। और उनका जो द्वितीय गुरु जो गौतम बुद्ध थे उनका द्वितीय गुरु कौन थे? तो रुद्रकर्मान पुत्र थे। और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति उन्हें बोधगया में हुआ। 6 वर्ष के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। और 35 वर्ष की जब उनका एज हो गया मतलब 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और बैसाख पूर्णिमा के रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ पा रहा होगा। आइए फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं। आगे पढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे क्या है? तो फ्रेंड्स आगे आगे है गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। जब गौतम बुद्ध 16 वर्ष की अवस्था के हो चुके थे, 16 वर्ष उनका एज हो चुका था, उस समय यशोधरा के साथ इनका विवाह हुआ था। जो गौतमी थी, गौतमी वो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी। जो गौतमी थी वो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी। जो गौतमी थी वो महात्मा बुद्ध की सौतेली माँ थी, या फिर गौतमी जो थी वो महात्मा बुद्ध की मौसी थी। आगे क्या है? आगे है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण जो जो है वो बौद्ध धर्म के बुद्ध के मृत्यु से संबंधित है। आगे क्या है? महाभिनिष्क्रमण। जो महाभिनिष्क्रमण जो ये शब्द है ये जो बुद्ध हैं उनके गृह त्याग से संबंधित है। लास्ट क्या है? धर्मचक्र परिवर्तन। धर्मचक्र परिवर्तन जो है वो किस चीज़ से संबंधित है? तो वो है सारनाथ में जब उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था वो तभी उसको क्या कहा गया? उसे उसे कहा गया धर्मचक्र परिवर्तन। तो फ्रेंड्स हमारा ये यहीं पे समाप्त होता है, ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल है अभी A to Z चैनल। और ओके फ्रेंड्स, थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।